जय हिंद। इससे पहले के वीडियो में आपको संसदीय समितियों के बारे में समझा दिए थे, संसद की समितियां क्या होती हैं। अब आज हम उसके उसके आगे की चर्चा करते हैं, संसद की कार्रवाई। संसद की कार्रवाई किसे कहते हैं, यानी संसद के अंदर क्या क्या कांड होता है। कांड मतलब समझते हैं काम धाम जो जो होता है उसको क्या कहते हैं संसद की कार्रवाई। संसद जब से शुरू हो गया मतलब काम करना चालू किया और जब तक उसका बंद नहीं हुआ उस बीच के समय को कहते हैं संसद की कार्रवाई। संसद खुलता है सुबह में 11 बजे, सोच सकते हैं कितने बजे उठ सो के उठते होंगे। सुबह 11 बजे संसद खुलता है, शाम 6 बजे बंद हो जाता है। अगर ये मॉर्निंग में नहीं है तो एवरेज यही रहता है। तो 11 बजे से 6 बजे तक संसद की कार्रवाई होती है। इस खंड को दो भाग में बांटते हैं। आप याद कीजिए, आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको भी दो खंड में बांट दिया जाता होगा। एक पीरियड लगाई जाती थी लंच से पहले और कुछ 3-4 घंटी बाद में रहती थी लंच के बाद। तो शुरू में 4 पीरियड और लास्ट में 4 पीरियड, इस तरह से क्लास चला करते थे बचपन में। आप याद कीजिए लंच के समय, टिफिन के समय। तो यहाँ भी संसद की टोटल कार्रवाई को दो भाग में बांटते हैं, लंच के पहले और लंच के बाद। तो लंच के पहले ये वाला हो गया और लंच के बाद इधर वाला हो गया। तो देखते हैं हम लोग, लंच से पहले दो चीजें होती है, एक होता है प्रश्नकाल, एक होता है शून्यकाल। यानी लंच से पहले 2 घंटा। तो शुरुआत में पहला घंटा 11 से 12 जो होता है, फर्स्ट घंटा यानी पहला 11 से 12 पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रश्नकाल। और दूसरा घंटा क्या कहलाएगा? शून्यकाल। तो ये क्या कहलाएगा? 12 से 1 शून्यकाल, उसके बाद क्या हो जाएगा? लंच हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहला घंटा प्रश्नकाल, दूसरा घंटा तो हो जाएगा शून्यकाल। तो पहले हम समझते हैं प्रश्नकाल के बारे में। पहला घंटा हो गया प्रश्नकाल। प्रश्नकाल नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान से समझिए, ये जो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी प्रश्नों को 10 दिन, कम से कम 10 दिन पहले सूचना संसद के अधिकारी को देना होता है। आप बताइए संसद के अधिकारी कौन कौन थे? लोग, एक अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था, एक महासचिव था। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं, महासचिव को दिया जाता है, तो वो पढ़ा लिखा अधिकारी होता है। तो प्रश्नकाल पहला घंटा होता है, इस घंटे में कोई भी प्रश्न पूछना है आपको तो उसकी पूर्व सूचना दी जाती है। किसको दी जाती है? तो महासचिव को दी जाती है। कितने दिन पहले? 10 दिन पहले। तो यहां लिख देते हैं महासचिव, महासचिव। किसको सूचना दी जाती है? महासचिव को। अब इसमें कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने तरह के? 4। ज्यादातर में देखेंगे तो दो ही तरह लिखा रहता है, तारांकित और अतारांकित, ऐसा बात नहीं। इसमें कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? 4 तरह के। लेकिन इसकी सूचना कितने दिन पहले देनी पड़ती है? 10 दिन पहले देनी पड़ती है। देखिए पहला प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न, इंग्लिश में कहिए तो ओरल क्वेश्चन होता है। ये ओरल मतलब मुहांमुही पूछा जाता है, इसे बताओ। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो 4 प्रश्न है इसमें से 3 तरह के प्रश्न कौन पूछता है? सदस्य पूछता है, यानी जो गैर सरकारी है। किससे पूछता है? मंत्री से। मंत्री को क्या कहते हैं? सरकारी सदस्य। और जो मंत्री नहीं है उसे क्या कहते हैं? गैर सरकारी सदस्य। तो सदस्य किससे क्वेश्चन पूछता है? मंत्री से। किस तरह पूछता है? ओरल क्वेश्चन। ये बताइए आप रक्षा मंत्री हैं, सेना में क्या हो रहा है, आप गृह मंत्री हैं, आप बताइए शिक्षा मंत्री, आप बताइए शिक्षा का स्तर कहाँ गिर रहा है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ओरल पूछे जाते हैं। अब ये ओरल क्वेश्चन एक दिन में मैक्सिमम 20 पूछ सकते हैं, 20 क्वेश्चन, ताकि उसको जवाब भी तो देना, एक घंटा ही है टाइम, अगले दिन भी पूछिएगा। एक घंटा में 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक मेंबर अधिकतम 5 पूछ सकता है। तो अधिकतम 5, औसतन 3 ही पूछते हैं, लेकिन एक सदस्य अधिकतम 5 पूछ सकता है। और एक दिन में कुल संख्या प्रश्नों की 20 हो सकती है। कैसे? ओरल प्रश्न, तारांकित प्रश्न। अब इस ओरल प्रश्न का पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब क्या होता है? और स्पष्ट पूछता है पूरक प्रश्न। जैसे हम आपसे पूछे कि, जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि खान सर का कोचिंग कहाँ है, तो ये एक ओरल क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्न है। तो आप कहिएगा मुसल्लापुर हाट में, कहेगा मुसल्लापुर हाट तो बहुत बड़ा एरिया है, तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया तारांकित प्रश्न, उसको आंसर भी मिल गया मुसल्लापुर हाट, लेकिन मुसल्लापुर हाट तो बड़ा एरिया है, जो खोजेगा क्या वहां पर? तो कहेगा वो पूरा प्रश्न पूछ लेते हैं, मतलब उसको और पूरा करने के लिए, जो क्वेश्चन उसको अधूरा लग रहा है उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रश्न पूछेगा। क्या चाहिए बताओ, मुसल्लापुर हाट में कहा? तो वो कहेगा किसान कोल्ड स्टोर में। तो कहेगा ओ हो हो किसान कोल्ड स्टोर में, अच्छा उसका मन करेगा तो और एको पूछेगा किसान कोल्ड स्टोर में कहा? एकदम 5वां फ्लोर पे सबसे बड़ा क्लास, तुरंत समझ गया। समझने के पूरक प्रश्न और खखोर के बोलिए, तो पूरक प्रश्न तो नहीं बोलते हैं, गांव में बोलते हैं कौन सी खखोर के पूछ रहा है। तो खखोर के पूछने का मतलब क्या होता है? पूरक प्रश्न। तो समझ में आ गया। तो ये ओरल पूछे जाते हैं। ये कौन पूछता है? तो सदस्य पूछते हैं। किससे पूछता है? मंत्री से। समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्न। दूसरा प्रश्न होता है अतारांकित प्रश्न।
अब आएंगे प्रश्न लिखित पूछना होता है। अब ये लिखित प्रश्न पूछना होता है तो क्या करना भैया, जितने भी प्रश्न काल में क्वेश्चन पूछने हैं 10 दिन पहले उसकी सूचना महासचिव को देनी है, तो 10 दिन पहले लिख के दे दीजिए। अब जब लिखित आप जवाब चाहते हैं तो लिखित सवाल भी देना पड़ेगा, तो लिख के दे दीजिए। ऐसे सवाल ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं, तो ये लिखित पूछे जाते हैं और एक दिन में 230 सवाल पूछ सकते हैं। इसमें करना क्या है, सवाल लिख के दे दीजिए कि जीडीपी कितना परसेंट है, भारत में टोटल ट्रेन के डब्बे कितने हैं, जो जो प्रश्न पूछना है दे दीजिए, थमा दीजिए मंत्री जी, रेल मंत्री आप बताइए बताइए, दे दीजिए। अब वो क्या करेगा, अधिकारी को दे देगा, लो ये जवाब लेके आना, और नेट पे है खटाखट खटाखट ले आके दे देगा, लीजिए पढ़ लीजिए आपके 250 सवाल। तो ये एक दिन में 230 सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन से, अतारंकित। अब एक बात बताइए, अतारंकित का पूरक कैसे पूछेगा, मान लीजिए आपने लिखित जवाब दे दी, लिखित सवाल पूछा और लिखित जवाब दे दिया, अब तुरंत पूछेंगे ठीक से जवाब दिए हैं इसमें, ये कोई बात है, पहले पढ़िए ना ठीक से दिया है कि नहीं दिया, घर ले जाइए पढ़िए, अब पढ़िए तब अगले दिन से आइए, तो अगले दिन आएंगे तो दूसरा सवाल हो जाएगा, पूरक थोड़ी होगा। तो जेन्युइन आपको अपना कॉन्सेंस लगाइएगा कि कोई रिटर्न सवाल पे कॉम्प्लीमेंट्री सवाल कैसे पूछ सकते हैं जब तक आप पढ़े ही नहीं है उसके, तो समझ आ गया आप लोग को। तो दो तरह के प्रश्न, ये भी जो है अतारंकित प्रश्न, ये भी कौन पूछता है, सदस्य पूछते हैं, किससे, मंत्री से। तो जो संसद के सदस्य होते हैं गैर सरकारी, और जो मंत्री होते हैं वो सरकारी। अब एक क्वेश्चन होता है अल्प सूचना प्रश्न, ध्यान से समझिए, नियम है कि प्रश्न काल में आपको प्रश्न पूछने की आजादी है, लेकिन उसकी सूचना 10 दिन पहले देनी होती है। 10 दिन से कम में देंगे तो नहीं होगा, 15 दिन पहले दे दीजिए चलेगा, लेकिन 10 दिन से कम नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अचानक कोई याद आया कि बाप रे बहुत सीरियस काम था, हमारे गांव में ऐसा हो गया, मान लीजिए किसी गांव में कोई दुर्घटना हो गया, किसी गांव में बांध टूटने वाला है, और उसको अचानक याद आया बाप रे बांध टूटने वाला हमारे गांव का, हम तो सूचने नहीं दिए थे, अब 10 दिन समय ही नहीं बचा, अब क्या करें। तो जाता है महासचिव के पास, साहब हमारे पास बहुत जरूरी काम आ गया, हम 10 दिन का समय गंवा दिए हैं, एक काम करते हैं हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमने गांव के ऐसा सीरियस मैटर है। तो कोई सीरियस मैटर को लेकर आप अल्प सूचना की कैटेगरी में प्रश्न पूछ सकते हैं, इसकी सूचना आप 2 दिन पे दे सकते हैं, 5 दिन पे दे सकते हैं, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना 10 दिन, उससे कम के में ही दे सकते हैं। तो अल्प सूचना क्या होता है, 10 दिन से भी कम समय में, 10 दिन से भी कम का सूचना देकर पूछ सकते हैं, और इसका जवाब ओरल मिलता है। आपको अचानक याद आया कि सवाल भूल गया, तुरंत कहिए कि हमको सवाल पूछवा दीजिए, अध्यक्ष कहेंगे देखिए ना आज सारा टाइम दे दिए हैं उन्हीं लोग के जवाब देते में मंत्री जी का काम हो जाएगा, एक काम कीजिए कल परसों हमें आपको इसका जवाब दिलवा देंगे, हो गया। कल परसों जब भी आपको मिल जाएगा कि हाँ इस दिन सवाल पूछे, तो खड़े होकर पूछ लिए मंत्री जी हमारे यहाँ बांध टूटने वाला है, कौशल में बनवा देंगे, अपने बोलेंगे मंत्री जी बन जाएगा, जो भी उनको संसाधन के आधार पर उनको जो जवाब देना होगा देंगे। तो ये हो गया आपका अल्प सूचना, ध्यान दीजिए अल्प सूचना प्रश्न का नाम अल्प सूचना क्यों पड़ा, क्योंकि जो नियम है कि 10 दिन कम से कम पहले सूचना देना है, उसका नियम यहाँ पालन नहीं हुआ। यह प्रश्न भी सदस्य पूछता है किससे, मंत्री से। तो यहाँ देखिए ए बी सी ये तीनों को घेर के हम लिख दिए, सदस्य पूछेगा मंत्री से। लेकिन आप याद कीजिए, समझिए बीजेपी के पास 303 सांसद है, सभी की सभी तो मंत्री नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सांसद कोई काम नहीं कर सकता है, सांसद का भी है, वो भले मंत्री नहीं है लेकिन उसके पास पावर होता है कि अपने क्षेत्र में काम करा सकता है, तो क्या उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं, उससे भी सवाल पूछना है। जैसे मान लीजिए किसी को पूछना है ये पटना के सांसद कौन है, शायद रामकृपाल यादव, एक रविशंकर प्रसाद, तो रविशंकर प्रसाद तो मंत्री है, रामकृपाल यादव जो उधर है वो मंत्री नहीं है, तो वो तो गैर सरकारी सदस्य हो गए। तो देखिए गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाला प्रश्न, ये चौथा प्रकार का प्रश्न है, याद रखिएगा ये प्रश्न काल में। जरूरी नहीं कि आप मंत्री से ही सवाल पूछें, जो मंत्री नहीं है अर्थात गैर सरकारी सदस्य उससे भी पूछ सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र में क्या काम किए हैं, समझ आ गया आप लोगों को। तो प्रश्न काल संसद का पहला घंटा, इसमें पूर्व सूचना दी जाती है 10 दिन पहले, किसको दी जाती है, महासचिव को। कितने प्रकार के प्रश्न, तो 4 प्रकार के, समझ आ गया। बुक्स में लिखेंगे या ज्यादातर देखिएगा तो लोग कहते हैं 2 ही प्रकार के प्रश्न, ऐसा नहीं है, समझ आ गया। हालांकि ये दोनों फेमस है, आपको जानने के लिए तो सब जानना पड़ेगा ना। तो ये हो गया पहला प्रश्न काल, अब दूसरा समझते हैं, दूसरा घंटा शून्यकाल। तो शून्यकाल के बारे में 2-4 वो बच्चा वाला क्वेश्चन, ये कब आता है, तो प्रश्न काल के ठीक बाद, कितने बजे से, तो भैया 12 बजे से 1 बजे तक। तो ये स्पष्ट लिखा है कि एक बाद आने वाला है, तो
तेसु निकाल हो गया, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जीरो आवर। क्या कहेंगे? जीरो आवर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये जीरो आवर का नाम क्यों पड़ा सोने का? क्योंकि इसमें ना बिना सूचना दिए प्रश्न पूछ दिया जाता है। समझ आ गया कि नहीं? बिना सूचना दिए ही प्रश्न पूछ दिया जाता है। पहले से मंत्री को तैयारी करने नहीं दिया जाता, खड़ा होइए मंत्री जी, हाँ बताइए मंत्री जी, विदेश मंत्री तो नहीं, खड़ा होइए, खड़ा कराइए विदेश मंत्री को, कहिए कि बताइए जब आपको पता था कि 2019 में ही कोरोना फैल रहा है तो आप फ्लाइट को मार्च में आके काहे बंद किए, ट्रंप को घुसा दिए, उसके बाद ये आया, आप कहाँ थे? ये सुनने काल में पूछ सकते हैं बिना सूचना दिए, जो मन वो उठा। सबसे ज्यादा हंगामा होता है ना सुनने काल में, नियम कानून लगभग नहीं करता, मार कुर्ता फाड़ दो, ये कर दो कर दो। तो सुनने काल समझ में आ गया, सुनने काल में कोई सूचना नहीं देना होता। आप देखिए ये सुनने काल क्या है, ये भारतीय मीडिया की देन है, इसका कोई संविधान में चर्चा नहीं है। ये 1962 से इसका नाम दिया जाने लगा, ये नाम किसने दे दिया? भारतीय मीडिया ने दे दिया। तो क्या संविधान में शून्य काल की चर्चा है? नहीं है। इसका नाम 1962 में मीडिया ने दे दिया। इसमें जो मन क्वेश्चन पूछिए बिना किसी सूचना का। तो देखिए इसमें अंतर क्या है, क्वेश्चन सूचना दे के पूछेगा। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए अगर सूचना दे कर पूछा, यानी पहले ही आपको 10 दिन पहले दे दिया कि तैयार कर लीजिए हम पूछेंगे, तो समझिए वो प्रश्न निकाले, इसमें थोड़ा सहूलियत है। और इसमें बिना समय दिए पूछ दिया कि बताइए, ऑन द स्पॉट पूछ दिया एकदम बताइए, तो वो कौन सा हो जाता है? शून्य काल। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, शून्य काल और इसमें समझा के पूछा, बता पहले क्वेश्चन दे दिया तो प्रश्न निकाल, अब एट्रैंडम दे दिया तो वो शून्य काल। समझ गए कि नहीं? समझा के का ये दोनों में बहुत हल्का अंतर होता है, जिस तरह से बहुत हल्का अंतर होता है एक शिक्षक में और समय में। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक पहले सिखाता है और फिर आपकी परीक्षा लेता है, और समय उल्टा होता है, समय पहले आपकी परीक्षा ले लेता है और फिर आपको सिखाता है। तो दोनों में बहुत समानता है और कुछ समानता नहीं भी है, आप समझिए इसको। तो प्रश्न काल और शून्य काल समझ में आ गया। अब इतना जो चिल्लाया है सब धड़ाधड़ ये तब भूखा जाएगा सब, अब भूखाएगा सब तो जाएगा सब लंच करने, अब पूरा हुमच के नट्टी तक खाएगा सब, एकदम सस्ता सस्ता एकदम मिलता है इन सब को, एकदम जो मन कचर के खाइए, एकदम ठूस के खाइए, उंगली चेक करिए यहाँ तक आया कि नहीं खाना, एकदम दिखने लगेगा तब वाह वाह बहुत खा लिए, लंच खा के एकदम बढ़िया से आएगा, अब भिड़ेगा चर्चा पर। यहाँ तो खाली सवाल ही पूछ रहा है, नायका चीज वा कहीं कब होगा, जीएसटी जैसा विधेयक कब पारित होगा, कोई विधेयक जो लाना होगा वो कब होगा, चर्चा कब होगा, महाभियोग कब लगेगा, प्रस्ताव सब कहाँ आएंगे, ये सब कहाँ आते हैं। तो ये सारा प्रश्न 2 घंटा में पूछ लिए, अब शांति से बैठिए, अब चालू होगा संसद के नए नए चीजों की कार्यवाही। तो 2 बजे से लेके 6 बजे तक जो होता है वो चर्चाएं होती है नए नए विषयों पर या प्रस्ताव पारित किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे ना, 2:30 बजे से लेके आया अमित शाह, 370 अधिनियम खत्म हो रहा वाला है, 370 अनुच्छेद खत्म होने वाला लास्ट में लिया। तो इसमें कई तरह के क्या लाए जाते हैं, प्रस्ताव, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, बहुत सारे प्रकार के प्रस्ताव। तो हम लोग समझ जाते हैं प्रस्ताव, यानी 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी इधर का जो 4 घंटा है इसमें अलग अलग प्रस्ताव लाया जाएगा, अलग अलग चर्चा, अब 2.5 घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, कई टाइप के इसमें आते हैं। आप अक्सर इसको पढ़े होंगे, कंफ्यूजन में रहते होंगे। तो चलिए पहले इसको आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये 4 प्रकार के प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न मंत्री से पूछे जाते हैं और 1 गैर सरकारी यानी जो मंत्री नहीं है उससे पूछे जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग प्रस्ताव के बारे में समझते हैं।